हाँ चिल्ड्रन, स्वागत है आपका नई क्वांटम क्लासेस में। अभी अभी आपने क्या किया कि एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था। इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर था आपका होमोलॉगस सीरीज का टॉपिक। तो इस वीडियो लेक्चर में उसी क्वेश्चन से संबंधित, उसी इसे होमोलॉगस सीरीज से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम पता लगाएं कि एक जैसे मान लो एल्कोहल है, तो उसके अंदर अगर हम CH2 जोड़ते चले जाए तो नेक्स्ट मेंबर बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ से। तो नंबर वन है मिथाइल एल्कोहल, तो हम नाम नहीं लिखेंगे, केवल कंपाउंड्स लिखेंगे। तो मान लो फर्स्ट मेंबर मिथाइल एल्कोहल है, तो सेकंड मेंबर हो जाएगा CH3CH2OH। ये हो गया आपका इथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये सब जितने भी कंपाउंड्स के नेम हैं वो आपको बहुत सारे जो भी मैंने वीडियोज़ बना दिए हैं उसमें मिल जाएंगी। और फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन। तो सेकंड मेंबर बना CH3CH2CH2OH, ये आपका प्रोपेनॉल हो गया या प्रोपाइल एल्कोहल हो गया। फोर्थ नंबर का बना कंपाउंड CH3CH2CH2CH2OH, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं, क्योंकि अभी थ्री मेंबर बन पाए नहीं, अभी एक और मेंबर बनाना है। फोर मेंबर के लिए बोला है। तो फिफ्थ, तो CH3CH2CH2CH2 4 3 3 CH2OH, तो ये हो गया आपका पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। 1 2 3 4 मेंबर हो गए। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, वो कंपाउंड है HCOOH। अब हम इस HCOOH के जो आपका मेथेनोइक एसिड है उसकी 4 मेंबर्स बनाएंगे। तो ये आपका मेथेनोइक एसिड है। अब इसके नीचे एक कंपाउंड और बना लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसे हटाते हैं और देखने में सही नहीं लगेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट HCOOH यहाँ से हटाते हैं, HCOOH। चलिए सेकंड फर्स्ट मेंबर बना ऐसे करते हैं CH3COOH, ठीक है। एसिडिक एसिड बन गया, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट मेंबर बन गया इसका, फिर बनेगा CH3CH2COOH, ये बन गया फोर्थ, मतलब थर्ड मेंबर। फोर्थ मेंबर है लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड मेंबर है CH2CH2COOH, ये हटाना है, ठीक है। फिर फिफ्थ हो गया CH3CH2CH2CH2COOH। तो ये जो कंपाउंड बना 1 2 3 4 5 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये ब्यूटेनोइक एसिड, ये सॉरी मेथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम इसी कंपाउंड पे आ जाते हैं, तो इस कंपाउंड को हम लिखते हैं इसी कलर से। तो ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। इसे हम फिर और थोड़ा एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करना जरूरी है। फर्स्ट HC CH, ठीक है। तो सेकेंड मेंबर बनेगा CH3 CH3CH, थर्ड मेंबर बनेगा CH3 CH2 CH3CH, ये आपका इथाइन हो गया, ये प्रोपाइन हो गया, ये ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3CH की, ये आपका पेंटाइन हो गया CH3 CH2 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 CH3CH, ठीक है। ये आपका हो गया पेंटाइन, आया बात समझ में। तो ये कंपाउंड आपके 4 मेंबर बन गए, ठीक है। जब तक आप करोगे नहीं किसी भी चीज को तब तक कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो अब हम दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड को हम यहाँ से हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर है आपका बच्चों CH2CH2, ठीक है। सेकंड मेंबर बनेगा इसका CH3
सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर है ठीक है क्या है सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू। बात करते हैं नेक्स्ट की सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड, ये थोड़ा सा गलती हो रही है, यहाँ पर है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, इसे हटा दो। एक्चुअली एल्कीन की बात हो रही है तो एल्काइन का कोई रिलेशन नहीं। स्टार्ट ये आपका एथीन हो गया, ये प्रोपीन हो गया, ये ब्यूटीन हो गया, ये पेंटीन हो गया, ये आपका हो गया हेक्सीन, ठीक। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं एक और कंपाउंड। तो ये आपका फर्स्ट मेंबर है तीन कार्बन का, ये प्रोपेनॉन है, अब बनेगा ब्यूटेनॉन, क्या बनेगा ब्यूटेनॉन, ये बना लिया आपने ब्यूटेनॉन। फिर अब बनाएंगे पेंटेनॉन सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी ओ सी एस थ्री, पेंटेनॉन बन गया। फिर नेक्स्ट बनाते हैं हेक्सेनॉन सी एस थ्री सी एस टू सी एच टू सी एस टू सी ओ सी एस थ्री, आपका हेक्सेनॉन बन गया। फिर हम बात करते हैं सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी ओ सी एच थ्री, ठीक। तो ये बन गया हेप्टेनॉन, आई बात समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो कोई एक और कंपाउंड बना लेते हैं इसी बहाने से, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है सी एच थ्री सी एल मिथाइक्लोराइड, ठीक है। तो इसका फर्स्ट मेंबर है, एक और मेंबर बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल, एक और मेंबर बनेगा, ठीक है। तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल, ठीक। एक और मेंबर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी, ठीक है। इस तरीके से हमने मेंबर बना दिए। तो याद रखें अगर आपने होमोलोगस की होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन याद की है तो बेस्ट है, अगर नहीं याद की तो अब याद कर लो और अपने आप को झोंक दो पढ़ाई करने के लिए। बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है, सपने मत देखो, कर्म करो तब फल मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमने पुरानी चीज़ें दिखाई थी तो हम यहाँ से हटा भी सकते हैं, थोड़ी सी और वन लग रही हैं। चलिए अब हम इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं और आपको देते हैं गजब की नॉलेज केमिस्ट्री की।